ये यहाँ के दुकानदारों का हफ्ता, ये होटल वालों का हफ्ता, ये टैक्सी ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट वालों का हफ्ता। मुझसे गलती हो गई है भाई, भाई आप तो मुझे बचा लो प्लीज, भाई साहब मुझे बचा लो, आप तो मेरी मदद कर। तू इन लोगों से कह रहा है किराना से तेरी जान बचाएं, जो हर हफ्ते यहां कर अपनी जान मुझसे बख्शवाने की कीमत देकर चले जाते हैं। अरे खंडाला में तुझे मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता, तू इन मामूली इंसानों के सामने गिड़गिड़ा रहा है। राणा के हुकूमत में राणा के खिलाफ जाने वाले का क्या हाल होता है, देख तो लो अपनी आंखों से। मुझे छोड़ दीजिए राणा साहब, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। तू जीना चाहता है ना? जी हाँ। अब तेरी जिंदगी और मौत का फैसला यह सिक्का करेगा। अगर चित आया तो हम तेरे हाथ पैर काट कर तुझे अपाहिज करके जीने देंगे, और अगर पट आया तो हम तुझे मौत देंगे। फैसला हो गया। खंडाला के सभी व्यापारी तो आ गए, लेकिन ये शांति प्रसाद अपना कैसनो बेचने का एग्रीमेंट लेकर नहीं आया। भैया हमारे आदमी कोशिश तो, तुम अच्छी तरह से जानते हो छोटे, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए। फिर भी हम खुद चलकर देखेंगे कि तुम्हारी कोशिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो शांति प्रसाद अब तक नहीं टूटा। सलाम राणा साहब। काम कैसे चल रहा है? जैसा आप चाह रहे थे वैसा ही चल रहा है। आओ शांति प्रसाद भाई, तुम्हारी हिम्मत है जो इतना नुकसान उठाकर भी इस कैसीनो को चला रहे हो। मेरी बात मानो, इस कैसीनो को बेच दो। इस कैसीनो का मैं 50 लाख तक दे सकता हूं, ठंडे दिमाग से सोच लो। राणा, तूने सोए हुए शेर के बाल को खींचने की कोशिश की है, अब मैं तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। राणा, राणा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले मारते हैं फिर मरम लगाते हैं। जिंदगी में पहली बार इतना भारी मेकअप करवाया, वो भी मार खाने के लिए। सर आखिर कब तक आप मेरे इस काले थोबड़े को रंगीन बनाते रहेंगे? जब तक मुझमें असली राणा की धुलाई करने की हिम्मत और ताकत नहीं आती, तब तक मैं तुझे धोता रहूंगा। अच्छा अच्छा, आप पहले लॉन्ड्री में काम करते थे क्या? बक बक मत कर और मेरी बात सुन। पूजा की चिट्ठी आई है बंबई से। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप मुझे पूजा के पास ना भेजें। आप तो आधे हैं, वो पूरी है। क्या बकता है? मैं सच कहता हूँ सर, सुबह को, दोपहर को, शाम को, रात को, जब आपको सहूलियत हो आप मुझे पीटते रहें, लेकिन पूजा के पास ना भेजें। ओहो कौन है? अरे क्या बात है भैया, क्या चाहिए? भैया तुम्हें शर्म नहीं आती सैया को भैया कहते? प्रेम, प्रेम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये हालत नहीं बेहालत है सोनिया, आज फिर वो शांति प्रसाद का बच्चा अशांत हो गया, और जब भी वो अशांत होता है तो मैं लंच में चाटे और डिनर में डंडे खाता हूँ। तुम कब तक इस तरह पिटते रहोगे और सूझते रहोगे? बहुत जल्दी इससे छुटकारा मिल जाएगा। बंबई से बुलावा आया है, पूजा ने बुलाया है। ओ प्रेम,
सोनिया सोनिया लग जा गले। ये तुम्हारा दिल धक धक करने के बजाय पुंगी क्यों बजा रहा है? अरे इडियट, ये मेरे दिल की आवाज नहीं, भैया की गाड़ी की आवाज है। सोनिया, ये भैया क्यों आ गया? सोनिया क्या कर रही हो? कौन है? भैया भिखारी है, भीख मांग रहा था। भिखारी इस घर के अंदर तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था रे। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। आप भी पहले भीख मांगते थे क्या? ओ शट अप, साला घर में कुछ का भीख मांगता, शर्म नहीं आती तुमको? तो क्या शॉपिंग सेंटर में दुकान खोल के भीख मांगू? बात भैया भैया आप फिक्र मत करो कि अंधा है, इसे तो घर में घुसा है। मैं अंदर चिल्लर लेने गई थी भैया। अंधा है? साला शक्ल से तो लगता नहीं है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मैं 100% अंधा हूँ। अरे लोग तो पैदाइशी अंधे होते हैं, मैं तो कई जन्मों से अंधा हूँ। कोई सबूत है तुम्हारे पास? वो सामने पेड़ दिखता है? दिखता है? मुझे नहीं दिखता। That's right. क्या? लोचा हो गया रे? अरे लोचा हो गया? अरे सोनिया, मैं मुंबई जा रहा हूँ पूजा के पास। प्रोफेसर के सामने तुम्हें मेरी डैडी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं, दूरी खींच के चल। देखो देखो बेबी, तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि अगर तुम्हारे डैडी को इस बात का जरा भी पता चल गया कि मैं तुम्हारा बाप बना था, तो वो मेरा क्या हाल करेंगे? वो जो भी करेंगे पता चलने की बात करेंगे, लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझे? किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ए? अब चले। ठीक है, चलो बेटी देखते। Excuse me, sir. Yes. Sir, ये मेरी डैडी हैं। शांति प्रसाद, कहिए कैसे याद किया आपने? मैंने आपको इसलिए याद किया कि आपकी बेटी पूजा आप कॉलेज में बहुत शरारतें करने लगी है। पूजा, पूजा ये क्या सच है? I'm sorry, daddy. दरअसल अब इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। पूजा, पूजा ये हम क्या सुन रहे हैं? पूजा, क्या हम आपको कॉलेज में इसलिए भेजते हैं कि आप पढ़ाई की जगह शरारतें करें? डैडी वो शराब पूजा, शराब पूजा, शराब। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कितने रंगीन सपने देखे थे, वो सारे सपने तुमने एक ही झटके में ब्लैक एंड व्हाइट कर दिए। काश काश ये सब देखने से पहले तुम्हारा बाप अंधा हो जाता, खंडाला के किसी घाटी से गिरकर मर जाता। हे भगवान, इसके बाप को इस दुनिया से उठा ले। रिलैक्स रिलैक्स, शांति रखिए आप। शांति? अरे अरे, जिसकी ऐसी नालायक औलाद हो वो कैसे शांति रखे और कहां शांति रखे? अब तो बस नाम ही शांति प्रसाद रह गया है। मेरा तो खून खौल रहा है इसकी हरकतें सुन सुनकर। देखिए, इस तरह से जवान बेटी को मारना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं मारूं साहब, क्यों नहीं मारूं, क्यों नहीं मारूं? और आप हम दोनों के बीच बोलने वाले होते कौन है? हैं? अगर लड़की बिगड़ गई तो क्या आप उसे खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे? वाह साहब वाह, क्या बात, क्या बात, क्या जमाना आ गया, एकदम बदल गया। पहले तो खुद बुलाते हैं लड़की की शिकायत करने के लिए, और आप डांटो तो आप बुरा मान जाते हैं। पूजा प्लीज, इनको यहाँ से ले जाओ और आइंदा कभी इधर मत लाओ। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? और आपने हमको बुलाया क्यों? बोलिए, बुलाया क्यों हमको? क्यों बुलाया? पागल कहीं का? लगता है पूरा खानदान पागल है। उल्लू की दुम। क्यों प्रोफेसर के सामने ऐसे मार रहा था जैसे बाप का बाल है? बेबी तुमने तो बात, देखती हूँ तुझको।